मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ये उन मर्द और उन लोगों के लिए हैं, उन लड़के और लड़कियों के लिए हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, जिनका कद छोटा है और वो ये चाहते हैं कि हमारी हाइट अच्छी हो जाए, हमारा कद बड़ा हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो है आज मैं सिर्फ तीन चीज़ें देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह तबारक व तआला दो महीना अगर कंटिन्यू आपने इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया तो आपकी हाइट बढ़ेगी और यूँ समझिएगा कि आपके कद में इजाफ़ा होगा और जो आपकी कमज़ोरी है वो भी दूर होगी। इंशाल्लाह इस नुस्खे से दो माह में रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बहुत ही लाजवाब चीज़ है और मुजर्रब तरीन है। जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए यूँ समझिएगा का बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो आइए, कद बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए ये आपको क्या क्या लेना होगा। सबसे पहले आपको लेना है दूध खालिस एक गिलास, फिर आपको लेना है शहद खालिस आधा चम्मच, और तीसरी जो चीज़ है वो है असगंध नागौरी, ये इसका सफूफ आपको लेना है आधा चम्मच। अब इसके बनाने का तरीका ये होगा, कैसे तैयार करना है और कैसे खाना है इसका खाने का बनाने का तरीका। तो देखिए, एक गिलास दूध लें, उसमें आधा चम्मच असगंध नागौरी बूटी का जो है सफूफ डाल लें, हल्की आंच पर उसे उबालने के लिए रख दें। एक दो उबाल जब आ जाए दूध में तो उसको उतार लें। जब नीम गर्म हो जाए तो आधी चम्मच जो है शहद मिला लें, फिर जो है नीम गर्म दूध को इसी तरीके से आप एक टाइम की खुराक है ये, ऐसे ही दो खुराक दिन में आपको लेना है। मतलब ये है कि सुबह खाली पेट और शाम 4 बजे ये आपको पीना होगा, और खाना या नाश्ता जो है आपको एक घंटा बाद करना होगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला एक से दो माह में यकीनन आपके कद में इजाफ़ा होगा, आपकी हाइट बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी और आपकी हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी।